ठीक है। सो बेसिकली वील टॉक अबाउट कि कैसे आपका इंटरव्यू जो है वीडियो राउंड होगा। फर्स्टली तो द इंटरव्यू राउंड विच यू आर गोइंग टू हैव इज पूरा ऑटोमेटेड रहेगा। देर विल नो वन एल्स सिटिंग आपके सामने, या कोई आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इट विल बी अ वीडियो राउंड जहाँ पे इट विल बी फुल्ली ऑटोमेटेड। क्वेश्चन विल बी कमिंग टू यू, यू हैव टू आंसर एंड यू हैव टू प्रोसीड। ठीक है, वैसे आपका पूरा डिस्कशन चलेगा। सो एक्चुअली आई हैव रिटन अ फ्यू पॉइंट्स यहाँ पे। यू ऑल कैन टेक डाउन, जॉट दीज पॉइंट्स डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई हैव टॉक टू पीपल जिनका हुआ था पहले लास्ट ईयर ऑल्सो। एक्चुअली आई वी टुक पर्सनल इंटरव्यूज, ग्रुप डिस्कशंस हमने करवाए थे बिफोर पीडब्ल्यूसी। तो हमें ऐसे आइडिया आ गए काफी सालों से कि कैसा होता है। जस्ट दैट ऑलवेज मेक श्योर अ फ्यू, सबसे पहले सो आई विल डिस्कस कि कैसे आप लोग का इंटरव्यू चलेगा, क्या होगा, वॉट ऑल दे कैन आस्क, एंड देन वी कैन हैव अ डिस्कशन कि आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। बिकॉज आई थिंक डेडलाइन फॉर द इंटरव्यू इज 2nd of December, राइट? उसके पहले यू हैव टू कम्प्लीट, इट्स अपॉन यू, आप कभी भी दे सकते हो, राइट? दैट इज वॉट दे हैव सेड। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेरी वेरी प्रिपेयर्ड, क्योंकि इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी विच यू ऑल हैव गॉट। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड ट्रस्ट मी, वीडियो रॉन के बाद दे एक्सक्लूड 50% ऑफ द पीपल को वो निकाल देते हैं। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग इस राउंड को काफी सीरियसली लो एंड काफी सीरियसली सो करो। ठीक है, सो कुछ कुछ चीजें हैं। इट्स अ HR टाइप ऑफ इंटरव्यू है, सो ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस आप लोग नहीं एक्सपेक्ट करोगे। टेक्निकल क्वेश्चंस, जस्ट गिव मी 1 मोमेंट। ऑलराइट, तो ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस एक्सपेक्ट मत करना। इट विल बी मोस्टली HR राउंड। ठीक है, सबसे पहले तो क्या होगा कि आप लोगों से 3 to 4 questions सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 3 to 4 सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें क्या होगा, वन सिचुएशन विल बी गिवन टू यू, मे बी इन द फॉर्म ऑफ एन अ स्मॉल आर्टिकल और स्मॉल रिटन फॉर्मेट में रहेगा। इट कैन बी एनी टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। मैं थोड़ा बहुत क्वेश्चन अभी आप लोग से डिस्कस कर लूंगी। एंड और इट कैन बी अ शॉर्ट वीडियो, सो दे विल यू नो शो यू मे बी 1 or 2 minutes का वीडियो, एंड ऑन बेसिस ऑफ दैट वीडियो दे विल आस्क यू अ क्वेश्चन। नाउ व्हाट ऑल वीडियोज दे कैन शो, दीज वीडियोज विच आई एम रेफरिंग टू इज ऑल ऑफ इट इज सिचुएशनल, ऑल ऑफ इट इज HR रिलेटेड। कैसे आपका माइंड वर्क करता है, दे वॉन्ट टू सी कि आपके वैल्यूज कैसे हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। दे आर नॉट फोकसिंग मच ऑन टेक्निकल, टेक्निकल का अगर मैं बात करूँ, मच ऑन एक्चुअल रिलेटेड है, वैसा कुछ टेक्निकल पे ज्यादा फोकस नहीं करते। इट विल बी मोस्टली फोकसिंग ऑन आपके ऊपर कि आपका कैसा वैल्यू सिस्टम है, आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो जनरली क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन अगर आया, फॉर एग्जाम्पल इट्स इन अ फॉर्म ऑफ रिटन फॉर्म में है या फिर इट्स इन अ फॉर्म ऑफ अ वीडियो, दे विल गिव यू 30 seconds to 1 minute। जनरली इट्स 30 seconds ओनली, दे विल गिव यू 30 seconds टू थिंक। सो 30 seconds to 1 minute दे विल आस्क यू टू थिंक अबाउट द क्वेश्चन। यू कैन सिट डाउन विद पेन एंड पेपर, मेक श्योर रूम में कोई नहीं हो, इट शुड बी प्रॉपर, आपका ऑडियो सिस्टम प्रॉपर रहना चाहिए एंड योर व्हाट डू वी से, आपका एवरीथिंग शुड बी प्रॉपर, लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि देर इज नो वन एल्स सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इफ देर इज एनी प्रॉब्लम गोइंग ऑन, वो आपको डायरेक्टली नहीं पता चलेगा, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग ये सब चीज पहले से देखते रहो, डोंट डू इट एट द लास्ट मोमेंट। आराम से वेल प्रिपेयर्ड होके बैठना है हम लोग को। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट कि मेक श्योर यू आर वेल प्रिपेयर्ड, आप प्रॉपर जगह पे बैठे हो, कोई नहीं है रूम में, एंड मेक श्योर आपने अपने घर में सबको बोल दिया दैट नो वन विल एंटर, अदरवाइज पता चला इंटरव्यू देते देते कोई आ गया, मम्मी आ गई, पापा आ गए, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए इंटरव्यू के बीच में, बिकॉज आप पॉज नहीं कर सकते हो इंटरव्यू को। ठीक है, सो हाँ ये है। एंड देन नेक्स्ट इज योर, 1 सेकेंड, मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ उसको। ठीक है, सो दिस इज देयर, ये वाला एक दो चीज पूछ, ये थोड़ा बहुत चीज माइंड में रखना।
उसके बाद दे विल गिव यू 30 सेकेंड्स टू 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट टू प्लान. अब उस समय क्या होता है ना कि मेक श्योर आप बहुत अच्छे से कोई भी सिचुएशन को सुनो. कोई सिचुएशन अगर रिटन में है तो उसको अच्छे से रीड करो. डोंट थिंक कि आपको सेकेंड टाइम रीड करने का चांस मिलेगा. बट उनका सिस्टम इज वेरी नाइस. वो क्या करते हैं ना, वो आपको बहुत अच्छे से बोलेंगे कि इफ यू आर रेडी नाउ देन यू कैन यू नो प्रोसीड अहेड. तो वो चीजें रहते हैं. बट वो जो 30 सेकेंड्स प्लानिंग का है वो एक्सटेंड नहीं हो सकता. तो वो जो 30 सेकेंड्स प्लानिंग का मिल रहा है वो आपको उतना ही मिलेगा. 1 मिनट जो प्लानिंग का है वो आपको उतना ही मिलेगा. यू हैव टू राइट द पॉइंट्स वेरी नाइसली जो भी आपको बोलना है. डू नॉट राइट फुल फुल पॉइंट्स, एकदम एक एक वर्ड में जॉट डाउन कर लो. एंड देन यू हैव टू स्पीक. सो देन यू हैव टू स्पीक फॉर 3 मिनट्स, मे बी 2 मिनट्स, वट एवर हाउ एवर द क्वेश्चन इज एंड कितना उनको चाहिए आपका आंसर. तो उस समय आपको वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ेगा. सो मेक श्योर आपका कैमरा बहुत सही से है. देर इज नॉट टू मच ऑफ लाइटिंग ऑन योर फेस, आपका फेस नहीं ब्लर हो रहा है. एवरीथिंग इज फाइन एंड आपका वॉइस क्लियर है. एंड ऑडियो वीडियो टेस्ट होता है. सो यू डू दैट प्रॉपरली एंड देन यू हैव टू रिकॉर्ड द वीडियो फॉर 3 मिनट्स एंड आप बोलते हो. ठीक है. सो दिस इज देयर. यूज दिस टाइम ऑफ 30 सेकेंड्स वेरी वाइजली. अब कैसे सिचुएशन के क्वेश्चन आते हैं, मैं कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन जो अभी तक हो चुके हैं कभी कभी या द थिंग्स विच आई रिमेम्बर. येस, एवरीथिंग इन इंग्लिश. इट्स पीडब्ल्यूसी यूके. ठीक है, आप पीडब्ल्यूसी इंडिया में नहीं हो, आप पीडब्ल्यूसी यूके, क्योंकि एक्चुअल डिपार्टमेंट जो है, जो आपका पीडब्ल्यूसी यूके मुंबई है, वो यूके के साथ उनका कनेक्ट रहता है. नॉट इवन अ सिंगल वर्ड जैसे अच्छा हिंदी में नॉट, बिकॉज दिस हैज हैपेंड टू मी, दिस हैज हैपेंड टू सम ऑफ अस. जैसे कि हिंदी में दे विल लेटर ऑन आफ्टर यू क्लियर द विंटर वीडियो इंटरव्यू एंड एवरीथिंग, लेटर ऑन वो आर्टिकल एंड ऑल आपसे लिखवाते हैं. तो बहुत बार ही व्हाट वी आर व्हेन वी आर सिटिंग एंड राइटिंग एन आर्टिकल, हम बहुत बार क्या करते हैं, कोटेशंस में कुछ हिंदी में लिख दिया. ऑल्दो इट्स अ स्लोगन, इट्स इन कोटेशंस, स्किप दैट, डोंट डू इट. अवॉइड एनी सिंगल वर्ड इन हिंदी ऑल्सो, बिकॉज आपको किससे कनेक्ट करना है आपको वो देखना है. दे वॉन्ट टू सी कि आप कैसे. हाँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टॉक वेरी नाइसली इन इंग्लिश. वो मैं एंड में बताऊंगी आपको कैसे आप उस पर इम्प्रूव कर सकते हो जस्ट इन 1 डे और 2 डे. ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल टू इम्प्रूव ऑन योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स इन 1 और 2 डेज, बट जितना हो सके आई विल गाइड यू कैसे कर सकते हैं. ओके, सो व्हाट ऑल क्वेश्चंस कैन कम, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं वो कैसे आ सकते हैं. सबसे पहले तो आ गया, सपोज देयर इज अ सिचुएशन, देयर इज अ प्रोडक्ट. ओके, दिस प्रोडक्ट कैन बी एनी प्रोडक्ट, इट कैन बी अ हेल्थ प्रोडक्ट, हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट. प्रोडक्ट, क्योंकि आप लोग को ये पता है कि पीडब्ल्यूसी इज अ कंसल्टिंग कंपनी. एनी काइंड ऑफ अ बिजनेस विल कम टू यू फॉर कंसल्टिंग, राइट. ऐसा कुछ स्पेसिफिक डोमेन में पीडब्ल्यूसी इज नॉट वर्किंग, यू आर नॉट वर्किंग इन अ स्पेसिफिक एक्चुअल डोमेन ऑफ प्राइसिंग और समथिंग, इट्स अ कंसल्टिंग फॉर्म. तो कैसे भी आपके पास कंसल्टिंग के लिए लोग आ सकते हैं, राइट. सो यू शुड हैव अ वेरी ओपन माइंड अबाउट दिस. तो आपके पास, आपको एक केस स्टडी दे देगा, स्मॉल केस स्टडी, और मे बी इट्स इन अ वीडियो फॉर्मेट, जहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट के बारे में समझा दिया उन्होंने. नाउ दे आर आस्किंग यू टू एक्सप्लेन दिस प्रोडक्ट टू अ क्लाइंट, और दे विल आस्क यू कि इस प्रोडक्ट में कुछ मॉडिफाई करने का हम सोच रहे हैं, ये आपको क्लाइंट को समझाना है. तो आप कैसे क्लाइंट को समझाओगे, मेक श्योर मैं थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स, ये इट्स अ अगेन सिचुएशन बेस्ड, कैसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैंने कुछ कुछ एग्जांपल्स यहाँ लिया है. तो अब आपको मेक श्योर करना है कि जो आपका क्लाइंट है दैट पर्सन इज गिविंग यू बिजनेस, राइट. सेकेंडली, उसका लेवल ऑफ नॉलेज एंड योर लेवल ऑफ नॉलेज माइट नॉट बी सेम, सो यू हैव टू यू नो. एंड हो सकता है कि उसका पर्सपेक्टिव, आपका पर्सपेक्टिव डेफिनेटली विल बी डिफरेंट. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ द क्लाइंट एंड आंसर इट इन दैट पर्टिकुलर मैनर. अब सपोज कोई मेरे पास आता है, कोई मेरा क्लाइंट है, सपोज आपका ज्वेलरी का शॉप है, फॉर एग्जाम्पल, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, जस्ट एन एग्जाम्पल. तो मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, मुझे बहुत चीजों का आइडिया जो उसको नहीं है, पर मुझे पता है कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू तक जाके वी हैव टू एक्सप्लेन द प्रोडक्ट. सो अगेन दे विल गिव यू 30 सेकेंड्स, 1 मिनट ऑफ प्लानिंग. यू राइट द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड देन यू स्पीक अप फॉर 3 मिनट्स. मेक श्योर फंबल थोड़ा कम करो, ऑब्वियसली, क्योंकि ये आपका बहुत जनों का यहाँ पे फर्स्ट इंटरव्यू होगा. तो मेक श्योर यू डोंट फंबल, बहुत गंदा इंप्रेशन पड़ता है. फंबल कैसे नहीं कर सकते, ये सब मैं थोड़ा एंड में आऊंगी. जो लेट्स डिस्कस अबाउट फ्यू सिचुएशंस. तो ये एक सिचुएशन हो गया. देन अ सिचुएशन कैन कम एज योर इमीडिएट मैनेजर एंड मैनेजर के ऊपर जो सीनियर मैनेजर है, बोथ ऑफ देम हैव टोल्ड यू समथिंग, लाइक दे हैव गिवन यू सम इंस्ट्रक्शन और वट एवर. होम विल यू लिसन टू फर्स्ट, अ वेरी ट्रिक क्वेश्चन.
नाउ अब आप लोग मेरे को बोलोगे मैम व्हाट शुड बी द आंसर टू दिस, देर इज नो ऑप्टिमल आंसर टू दिस राइट. अगर मैं आपको बोलूँ दैट यू शुड लिसन टू योर मैनेजर, योर इमीडिएट मैनेजर फर्स्ट, यू हैव टू गिव अ रीजन फॉर दैट. वाई विल यू लिसन टू योर इमीडिएट मैनेजर फर्स्ट? यू हैव टू गिव अ रीजन वाई विल यू लिसन टू योर सीनियर मैनेजर फर्स्ट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये सब चीजें, ये सब क्वेश्चन ही आते हैं. इट्स बेसिकली कैसे आपका वैल्यूज है, कैसे आपके वैल्यूज हैं, कैसे आपका माइंड का कंडीशनिंग किया हुआ है, आपके लाइफ में क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो ये सारी चीजों को वो टेस्ट करते हैं अभी वीडियो राउंड में. जो इनको क्लियर करते हैं, उनका ये मतलब होता है कि ठीक है आपका विजन क्लियर है, आपका वैल्यू सेट क्लियर है. सो अगेन आई विल नॉट गिव यू अ प्रॉपर आंसर टू दिस क्वेश्चन. ये टाइप ऑफ अ क्वेश्चन है जो आया हुआ है, यू ऑल कैन थिंक अबाउट इट. मैं आप लोग को बता भी दूंगी कैसे इन सब क्वेश्चंस के बारे में सोचते हैं. तो दिस इज वन ऑफ अ क्वेश्चन कि होम विल यू लिसन टू योर इमीडिएट मैनेजर और योर सीनियर मैनेजर राइट. दिस कैन कम. देन इज योर वर्क लाइफ स्टडी बैलेंस. तो हम लोग को बींग एन एक्चुअल स्टूडेंट, अभी पीडब्ल्यूसी के क्राइटेरिया में देर इज नो वे मेंशन कि यू हैव टू हैव कंप्लीटेड सम एक्चुअल पेपर्स राइट. नो एक्चुअल पेपर्स को भी वो लेते हैं, बट ऑब्वियसली इफ यू आर एंटरिंग पीडब्ल्यूसी एक्चुअल तो यू हैव टू स्टार्ट गिविंग एक्चुअल पेपर्स समवे और द अदर. सो यू हैव टू मेंटेन योर वर्क लाइफ स्टडी बैलेंस. तो यहाँ पे खाली वर्क लाइफ बैलेंस नहीं आता हमारे में, वर्क लाइफ एंड स्टडी तीनों चीज को बैलेंस आउट करना. सो अ क्वेश्चन ऑन दैट कैन बी सपोज इट्स अ फ्राइडे और इट्स अ थर्सडे एंड योर ऑफिस कलीग्स आर प्लानिंग अ पार्टी, ऑफिस पार्टी प्लान करें, और एंड प्लस यू हैव योर एग्जाम्स कमिंग इन वन मंथ, यू हैव टेकन अ स्टडी लीव मे बी. तो आप कैसे उसको पूरा बैलेंस करोगे? विल यू अटेंड द पार्टी? इफ यू नॉट अटेंडिंग द पार्टी आपके कलीग्स क्या सोचेंगे? आपके कलीग्स सोचेंगे कि ये सारा सिचुएशन में दे विल गिव यू दैट यू नो योर कलीग्स माइट थिंक दैट यू नो शी इज नॉट अटेंडिंग द ऑफिस मीटिंग, शी इज नॉट बॉदर्ड अबाउट अस, शी इज ओनली बॉदर्ड अबाउट हर स्टडीज एंड एवरीथिंग. तो ये एक उनका पर्सपेक्टिव हो सकता है. सेकेंड पर्सपेक्टिव ये है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पार्टी अटेंड करते हो तो आपके पास अब उतना टाइम नहीं है पढ़ने के लिए. मे बी आप लेट नाइट कर रहे हो या फिर आप देरी से घर पहुंचे हो तो आप थक जाओगे. नाउ हाउ विल यू स्टडी, हाउ विल यू प्रिपेयर, बिकॉज दिस इज योर स्टडी लीव विच यू हैव टेकन एंड उसी दिन पार्टी है. ऑल ऑफ दीज ट्रिकी क्वेश्चंस बट वेरी रेलिवेंट क्वेश्चंस, क्योंकि ये हम लोग फेस करेंगे डेफिनेटली व्हेन वी एंटर एंड वी गो देयर, वी वर्क देयर. तो वी विल फेस दीज क्वेश्चंस. सो दे वांट टू सी कि आप इन पर्टिकुलर सिनेरियोज में कैसे रिएक्ट करते हो, दैट इज व्हाट दे वांट टू सी, है ना. क्योंकि आप डेफिनेटली ये सिचुएशंस फेस करोगे करोगे, तो ऐसे सिचुएशंस वो रियल लाइफ सिचुएशंस आपको देते हैं एंड देन दे वांट टू सी योर आंसर. कभी कभी हो सकता है इट कैन बी इन अ फॉर्म ऑफ अ एमसीक्यू. तो चार एमसीक्यूज रह जाएंगे कि आई विल अटेंड द पार्टी, आई विल नॉट अटेंड द पार्टी, आई विल अटेंड द पार्टी कम बैक अर्ली एंड देन आई विल स्टडी. सो बोथ आई एम ट्राइंग टू मैनेज टूगेदर और आई कैन मेक एन एक्सक्यूज. तो ऐसा करके दे माइट गिव यू. जनरली इट्स इन द वीडियो फॉर्म ओनली. यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, कुछ कुछ वर्ड्स लिखे एंड देन यू हैव टू आंसर विद इन 3 मिनट्स. तो ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं. देन क्वेश्चन कैन बी लाइक पीडब्ल्यू सी में दे आर पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट बैकग्राउंड्स के होते हैं. दे वर्क, दे कम एंड वर्क टूगेदर राइट. उनका वैल्यू सिस्टम सबका अलग रहता है, सब अलग अलग जगह से आते हैं, सबका यू कैन से मेनली बैकग्राउंड अलग है, लैंग्वेजेस दे स्पीक इज डिफरेंट, वॉट दे बिलीव इन इज समवॉट अ लिटिल डिफरेंट. तो आप इन दैट सिनेरियो हाउ विल यू एडजस्ट एंड हाउ विल यू वर्क एंड हाउ विल यू एक्ट एज अ टीम प्लेयर. तो इस पे भी कुछ कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं. लाइक देर इज अ प्रॉब्लम, आपका पूरा एक टीम है, आपने कोई एक आइडिया सजेस्ट किया है. माइट सो हैपन कि आपका आइडिया किसी आपके कलीग को नहीं पसंद आया एंड दैट कलीग इज नॉट हैप्पी विथ योर आइडिया. सो हाउ विल यू पुट फॉरवर्ड योर आइडिया इन अ वे दैट दैट कलीग इज हैप्पी विथ यू और दैट कलीग अंडरस्टैंड योर आइडिया, और इवन इफ दे डोंट अंडरस्टैंड हाउ विल यू रिएक्ट टू दैट. ठीक है, आप ज्यादा एरोगेंट नहीं हो रहे हो, आप ज्यादा रूड नहीं हो रहे हो, ऐसा सिचुएशन वो बना देंगे कि आप खुद सोच में पड़ जाओगे कि मैं क्या करूं अभी. ठीक है, वेरी वेरी एप्ट सिचुएशन. यू आर लीविंग, सपोज यू आर लीविंग योर ऑफिस, ऐसा आ चुका है ऐसा सिचुएशन. यू आर लीविंग, आपका सपोज टाइम हो गया निकलने का, आपने अपना पूरे दिन का वर्क कर दिया. नाउ यू आर लीविंग द ऑफिस एंड सम स्मॉल टास्क हैज कम अप, और मे बी योर कलीग इज आस्किंग फॉर अ हेल्प. वो कलीग का टास्क है बट दैट पर्सन इज आस्किंग फॉर योर हेल्प बिकॉज मे बी यू आर स्पेशलाइज इन अ पर्टिक्युलर स्किल, और मे बी he or she is getting late and he or she wants your help, whatever the reason being, and aapko ghar ja ke padhna hai.
in that scenario, what will you do? That colleague is a very close friend of yours, or that colleague is someone who is very important to your team. Whatever it is, but it is that colleague's work, not your work. So how will you react in that particular situation? Will you help the colleague? Will you just tell him ki nahi, main nahi kar sakti, I have to study, go and study. Whatever the reason be. So aap kaise in that situation react karoge? All of these situations, they can ask. They will give you 30 seconds. Make sure, ab aapko ye hai ki aap in situations mein answer kaise karoge. So sabse pehle cheez hai jo aapko prepare karke nav rakhni hai. PwC search करना, PwC culture and people, PwC values and vision. ये जब आप लोग search करोगे on your Google, तो उनका PwC के set aims है, vision है. जहाँ पे there is I think 5 value system, 5 vision है. मैंने कुछ कुछ लिखा था 5 value system में उनका integrity. आप लोग को read करना ही, I'm just discussing. Integrity, make a difference, care, work together, reimagine the possible. So ye 5 vision hai which they believe in. Now PwC will only hire people jinka vision, jinka value system is same or similar to theirs. Obviously, if I am hiring someone, firstly I will understand ki uska kya aim hai, long term aim hai, uska value system kaisa hai, kaise work karte, that should match to mine. Then only I will hire that person, right? Right? So PwC being a company बहुत extreme focus करता है, जो आप लोग आगे अगर आपका ये clear होता है, hopefully सबका clear होगा, and then आगे जाके जो आप लोग next round में जाओगे, so questions will be surrounding these things. So they focus highly on teamwork, they focus highly on people coming from different regions and working together, they focus on caring about others, understanding your colleagues' situations, understanding what they want, understanding how you should react, how you should adjust to a particular situation, and how you put forward your ideas. They are very, very open to new ideas. So aap kaise apne changing situations jo bhi current COVID ki hai, and when you open the PwC website, when you open PwC vision likh ke, aap jab wo first website jo aayega, second website jo aayega, jab usko open karoge, the very first thing they have mentioned is about COVID, right? Ki how after COVID things will never go back to normal. Things will change. It's a new normal. They have mentioned. So, is new normal mein, what are your ideas upon it? How you take, what is your take in this entire situation? Theek hai, ye kuch kuch cheeze hain. Uske baad, work integrity. They focus a lot on integrity, working honestly. Kyunki aap logo ko pata hai, IFOA, we are appearing, if you are appearing from IFOA, exams aap dete ho. To usme they have this OPAT test. जो हम लोग को क्लियर करना था, प्रोफेशनलिज्म टेस्ट. सो दे बिलीव अ लॉट इन प्रोफेशनलिज्म. पीडब्ल्यूसी यूके बिलीव्स अ लॉट इन प्रोफेशनलिज्म, अ लॉट इन ऑनेस्टी, अ लॉट इन इंटेग्रिटी, अ लॉट इन हार्ड वर्क, अ लॉट इन टीम वर्क. एंड इन सबको लेके एट द सेम टाइम हाउ यू पुट फॉरवर्ड योर ओन आइडियाज, आप कितने डायनेमिक हो, आप कितना ज्यादा सपोज सडनली, अभी मैं आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू अ वेरी स्मॉल सिचुएशन, अ वेरी वेरी स्मॉल सिचुएशन. आई डिसाइडेड टू टेक योर मीटिंग एट 12:30. And suddenly 12:15 पे I had this very very important call and मेरे को वो attend करना ही था. तो I know कि I can like shift 10 minutes में आप लोग का interview shift कर सकती हूँ, वो मैं skip नहीं कर सकती. So it's all about understanding your priorities. But अगर मुझे पता होता कि आप लोगों का जो meeting है, मैं 12:30 के बाद बिल्कुल ही नहीं postpone कर सकती, then मैं कैसे act करती in that situation? So all of these situations will come up. And जब हम लोग आगे के राउंड्स में डिस्कस करेंगे, तो हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे वो इन सबको टेस्ट करते हैं आपके अंदर. सो फ्रॉम डे वन आपका क्या पोस्चर है, हाउ यू सिट, हाउ यू टॉक, व्हाट यू टॉक, व्हाट यू बिलीव इन, ये सब कुछ इनडायरेक्टली वो निकाल लेते हैं. इफ यू थिंक दैट आप एक अलग तरीके से एक्ट कर सकते हो, आप एक्ट खाली एक पॉइंट तक कर पाओगे, राइट? Somewhere or the other, even if, even now, I can just read your face, I can understand कि आपके मन के अंदर क्या कुछ ना कुछ क्या चल रहा है, I can understand that. थोड़ा बहुत with your expression, so they can definitely understand. Right? So it's very very important. जब आप लोग video round करोगे, जब आप लोग अभी video interview दोगे, so it's very important कि आप लोग बहुत अच्छे से with a smiling face, enthusiastic होके, at the same time seriousness, एक level of seriousness होना चाहिए कि आपके लिए कितना important है, उस हिसाब से आपको आंसर करना है, ठीक है?
तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. आफ्टर टू थ्री सिचुएशंस, सबसे फर्स्ट, अच्छा सिचुएशंस के पहले सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड एज टेल मी अबाउट योरसेल्फ. दिस क्वेश्चन विल डेफिनेटली बी आस्क्ड या तो स्टार्टिंग में या तो एंडिंग में. जनरली इट विल बी इन द स्टार्टिंग बिकॉज ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो लोगों को स्क्रू कर देता है. लोग सोचने लग जाते हैं कि वॉट शुड बी आंसर नाउ. इवन इफ यू आस्क मी दिस क्वेश्चन नाउ, एक बार के लिए मुझे टाइम लगेगा इफ आई एम नॉट प्रिपेयर्ड. सो दिस इज अ क्वेश्चन विच पीपल माइंड थिंक की टेल मी अबाउट योर सेल्फ है. सो देर इज नथिंग टू प्रिपेयर, आई नो अबाउट माई सेल्फ. बट ट्रस्ट यू वेन यू सिट एन आंसर टू दिस, गिव एन आंसर टू दिस क्वेश्चन, दिस इज अ क्वेश्चन विच यू विल यू नो सिट एंड थिंक कि क्या करें. सो यू हैव टू प्रिपेयर अबाउट दिस क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योर सेल्फ. इसके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या आप लोग इस क्वेश्चन में बोल सकते हो. इसके पहले आफ्टर, सो बेसिकली टेल मी अबाउट योर सेल्फ आएगा, दे विल गिव यू मे बी 1 मिनट टू थिंक. और इसमें इस क्वेश्चन में हो सकता है आपको टाइम भी नहीं दे सोचने का. एंड देन इन 1 मिनट और 2 मिनट यू हैव टू रिकॉर्ड द वीडियो, यू हैव टू आंसर एंड यू हैव टू सेंड द क्वेश्चन. हो सकता है आई एम नॉट वेरी मच श्योर अबाउट दिस, बट दे विल गिव यू 1 चांस ऑफ रीटेक, जस्ट 1 चांस. आई एम नॉट प्रिटी श्योर, एज फार एज आई रिमेम्बर हो सकता है 3-4 years बैक होता था. आई एम नॉट श्योर अभी होता है कि नहीं. आई विल नॉट यू नो सजेस्ट यू कि आप उस चीज में समझो कि चलो एक बार मिस्टेक हो गया दूसरी बार. जरूरी नहीं कि अभी वो चीज हो सकता है रीटेक, बट मैं सजेस्ट करूंगी वो रीटेक वाले में मत जाना. अगर बहुत ही कुछ हुआ है तो ही, बट आई थिंक उन्होंने हटा दिया रीटेक वाला, जहां तक अब मुझे लग रहा है ऐसा. और राइट, तो ये है. एंड क्वेश्चंस, तो बेसिकली आपका टेल मी अबाउट योरसेल्फ आया, देन आपको 2-3 ऐसे सिचुएशन जो मैंने डिस्कस किए रियल लाइफ सिचुएशन आपको दे दिया, एंड यू विल टॉक अपॉन दैट. And then after this situation, आपका question आ सकता है like very real life, very not अभी current scenario के ऊपर कोई question. So suppose they can give you, you know, what is the impact of newspapers upon us recently? This can be a question. ये एक particular you know article के form में आ जाएगा या फिर एक video के form में, and they're asking you to answer this question. या फिर क्वेश्चंस लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिकॉज पीडब्ल्यूसी, एंड इफ यू ओपन पीडब्ल्यूसी का वेबसाइट यू विल सी लॉट अबाउट मेंशन लॉट अबाउट टेक्नोलॉजी. अभी ऑल द कंसल्टिंग फर्म्स, ऑल द फर्म्स इनफैक्ट, दे आर टॉकिंग लॉट अबाउट टेक्नोलॉजी. तो जब आप ओपन करोगे उनका साइट तो आपको दिखेगा कि दे हैव टॉक्ड अबाउट टेक्नोलॉजी, दे हैव टॉक्ड अबाउट COVID-19. सो समवेयर ऑर द अदर यू कैन एक्सपेक्ट दीज क्वेश्चंस. सो हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाउ इन टुडेज वर्ल्ड टेक्नोलॉजी इज impacting, having an impact on us, and at the same time how it is helpful for a company like PwC, right? So ye hai. Uske baad questions like very 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 important question, why PwC? Now in do type ke questions hote hain. Ek hota hai what do you know about PwC. So in what do you know, what do you understand by PwC, aapko bahut acche se isme research karna hai PwC ke bare mein. You have to read a lot of content. Aapko jo bhi milta hai, मेक श्योर ये, मतलब जो भी आप कंटेंट रीड करो इट्स फ्रॉम पीडब्ल्यूसी, जो उनका साइट. ऐसा भी आपको कोरा के आंसर्स मिलेंगे. प्लीज डू नॉट रीड कोरा के आंसर्स, डू नॉट डू दैट. जो भी पीडब्ल्यूसी का ऑफिशियल वेबसाइट है, जो भी पीडब्ल्यूसी का ऑफिशियल साइट है, वहीं से सब कुछ रीड करना. जहाँ पे भी आपको पता है आप श्योर हो अबाउट द कंटेंट यू आर रीडिंग, राइट, इट शुड बी प्रॉपरली वेरीफाइड. सो What PwC does, very very important question definitely आएगा, जहाँ पे आपको बताना है कि what you understand कि PwC क्या करता है. अब खाली आप ये नहीं बोल सकते कि PwC consulting firm है तो जो भी लोग आते हैं हमारे पास consulting के लिए हम उसको advise करते हैं. नहीं, you have to be very much clear कि कैसे type के firms आपके पास आते हैं, PwC के पास कितने clients हैं, what are its major clients, कौन से type के clients, कौन से businesses आते हैं, उनको कैसा consulting हम provide करते हैं. So this you have to understand that what PwC does, very basic things, obviously आपको entirely नहीं पता चलेगा, just whatever given in, is given on their website and given on the net. Then ये हो गया first type का question. Second type का question होता है कि why PwC, ठीक है. तो यहाँ पे why you are choosing PwC, why PwC is important to you. In this kind of a question आपको ये तो समझना है कि PwC क्या करता है, at the same time you have to align your future, your values, your you know what is your plan, your aim with the plan of the company. So why you are choosing PwC? Abhi this is the
थिंग विच वी नो कि अभी हम लोग थर्ड ईयर में है, मोस्ट ऑफ अस आर इन थर्ड ईयर. सो वी नो दैट ओके वी आर इन थर्ड ईयर, वी आर वेरी मेनी ऑफ अस आर वी आर वेरी वेरी डेस्परेट फॉर एनी जॉब. सो वी विल गिव एनी ऑल योर इंटरव्यूज. दिस इज नॉट वॉट यू हैव टू से. ऑब्वियसली यू हैव टू से वाई यू आर चूजिंग पीडब्ल्यूसी, वेर यू फाउंड दिस कंपनी रियली नाइस, सो दैट वाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अस सो 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 नाइसली. सो यू हैव टू पुट इट इन दिस मैनर कि आप अपने आइडियाज को, आप अपने वैल्यूज को कैसे अलाइन, आप अपने फ्यूचर को, आप अपने एम्स को कैसे अलाइन करते हो विद पीडब्ल्यूसी एंड आपने क्यों चूज किया. तो इसमें जैसे कुछ कुछ एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ, आप लोग खुद से ये सब चीज यू नो लिखना है, ढूंढना है. आप लोग इसमें ये बोल सकते हो कि पीडब्ल्यूसी क्या, वट पीडब्ल्यूसी बिलीव्स इन. पीडब्ल्यूसी बिलीव्स इन इंटेग्रिटी, ग्रोथ, टॉकिंग अबाउट न्यू आइडियाज, न्यू कल्चर्स, ऑल द कल्चर्स कमिंग अप टूगेदर वर्किंग एज अ टीम. तो ये सब चीज में पीडब्ल्यूसी बिलीव करते हैं. एंड आपका सेम एट द सेम टाइम यू आर वेरी एनर्जेटिक, यू कम अप विथ वेरी गुड आइडियाज, आपको बहुत सारे आइडियाज आते रहते हैं एंड आप उन आइडियाज को पोर्ट्रे करना चाहते हो, किसी को बताना चाहते हो ताकि वो सुने, उसको अप्रिशिएट करे. अगर अप्रिशिएट नहीं भी करे तो यू नो दे वर्क अपॉन दीज आइडियाज. सो इसमें एंड यू आर वेरी डायनेमिक इन द सेंस कि आपको, यू आर अ टीम प्लेयर, आपको बहुत अच्छा लगता है बाकी लोगों से इंटरैक्ट करना, सब लोगों के साथ काम करना. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू कैन पुट फॉरवर्ड एंड योर एम, योर गोल इज टू अचीव, यू वॉन्ट टू बिकम एन एक्चुअली और यू वॉन्ट टू रीच टू अ पर्टिकुलर पॉइंट एंड वाई पीडब्ल्यूसी इज अ वेरी विल प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट. सो दोनों को होना चाहिए कि आपको भी उसका जरूरत है, उसको भी आपका जरूरत है, इन दैट मैनर, राइट. सो दिस इज दो क्वेश्चन आ सकते हैं पीडब्ल्यूसी के ऊपर. Now, अब हम लोग इसमें बात करते हैं, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेफिनेटली आएगा. अगर अभी वीडियो ऑन में तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा, लेटर ऑन आफ्टर दैट ऑल्सो वेन यू हैव पीडब्ल्यूसी के और भी आगे तीन चार ऑन होंगे तो उसमें डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा ही जाएगा. सो इन दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन यू हैव टू बी प्रिपेयर, फॉर श्योर यू हैव टू बी प्रिपेयर, इट्स अ वेरी ट्रिक क्वेश्चन. तो इसको कैसे कैसे आप डिवाइड कर सकते हो, सबसे पहले कि आप बोलोगे हु यू आर, यू विल ऑब्वियसली इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. वहाँ पे कोई है नहीं आपके सामने जिसको आप गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग बोलो, ठीक है. अगर कोई है डेफिनेटली यू विल स्टार्ट विद दैट, बट कोई है नहीं सो हु यू आर यू विल स्टार्ट विद योर नेम एंड देन यू विल स्टार्ट विद अ यू आर अ स्टूडेंट. अगर तो आप अपने नेम के साथ आई शिवांगी अग्रवाल, आई एम शिवांगी अग्रवाल, ऑलवेज गिव फुल नेम, नेवर जस्ट से आई एम शिवांगी, लुक्स वेरी 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 कैजुअल, ठीक है. ऑलवेज गिव फुल नेम्स एंड मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जैसे आप यस सो योर फुल नेम, देन ऑब्वियसली आपके सामने कोई बैठा नहीं, अगर कोई बैठा होता तो आप ऐसे बोलते हो थैंक यू फॉर यू नो दिस अपॉर्चुनिटी विच यू हैव गिवन मी, बट अभी कोई है नहीं सो इट्स फाइन, आप ये स्किप कर सकते हो. देन यू हैव टू ग्रीटिंग्स दे दिया हमने, व्हाट्स योर नेम, देन यू विल स्टार्ट विथ योर अवार्ड्स, व्हाट यू हैव अचीव्ड, योर अकम्प्लिशमेंट्स बेसिकली. आपके आपके एंगल से क्या अकम्प्लिशमेंट हो सकते हैं, यू आर अ स्टूडेंट, राइट. सो यू कैन से आई एम अ स्टूडेंट ऑफ बीकॉम ऑनर्स या फिर आई एम जस्ट अ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स इन सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता. इफ यू वांट टू गिव योर सीजीपीए यू कैन गिव अ सीजीपीए, इट्स मतलब इट्स नॉट नेसेसरी, बट क्योंकि वहाँ पे उनके पास आपका रेज्यूमे है नहीं सो यू इफ इट्स वेरी गुड यू कैन मेंशन योर सीजीपीए दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता विद दिस पर्टिकुलर सीजीपीए. And then you can mention, you can talk about your अच्छा जब भी आप अपने अचीवमेंट्स accomplishments के बारे में, सपोज यू हैव won an interstate या इंटर या नेशनल कॉम्पिटिशन, आपने किसी ने भी अगर जीते फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसा नहीं कि आई एम वेरी गुड एट दिस एंड आई हैव डन दिस दिस दिस, नहीं, एकदम पॉम्पस नहीं साउंड करना है, मतलब कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट या बहुत ज्यादा अपने अपने लिए अपना तारीफ बहुत ज्यादा नहीं करना है, बट यू हैव टू टॉक अबाउट योर अकम्प्लिशमेंट्स. अब आपके एंगल से मैं बात करूँ तो अकम्प्लिशमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हो कि आई एम अ स्टूडेंट सेंट जेवियर्स कॉलेज में हो एंड आप क्या कर रहे हो, इफ यू आर डूइंग एक्चुअल साइंस आप एक्चुअल साइंस कर रहे हो, आपने कितने पेपर्स क्लियर करे हुए हैं, अलॉन्ग विद दैट आप और क्या करते हो साथ में. तो अगर आप कोई एक पर्टिकुलर एनजीओ में काम करते हो या फिर आप एक पर्टिकुलर कोई भी skill, specially technical skill seekh rahe ho, so I'm working upon this skill, I've used this particular skill in my some of my assignments or some of my projects, you can name give the name of that, kyunki aap log third term mein to aap log ka term paper wo project paper aap log prepare karna start kiya hoga aap logon ne abhi in your third years, so you can talk about that, you can talk about your paper ki aap main ye paper prepare kar rahi hu, I've used this particular skill of mine in preparing this particular paper. If you want to talk about ki aap
कितने अच्छे हो पढ़ाई में, यू कैन से आई वॉज ऑलवेज इन 1% टॉप 1% टॉप 5% ऑफ माई स्कूल ऑफ माई क्लासेस ड्यूरिंग माई एंटायर स्कूलिंग लाइफ. एंड देन एट द एंड इफ यू वॉन्ट इट्स ऑप्शनल, यू कैन टॉक अबाउट योर हॉबीज. ठीक है, मेक श्योर कुछ भी ऐसे नहीं बोल दिया आई लव वॉचिंग क्रिकेट, आई लव वॉचिंग फुटबॉल, आई लव कुकिंग. नहीं, इट शुड हैव अ योर हॉबीज. अगर आप कुछ पैशन या हॉबी के बारे में बात करो, सो इट शुड डेमोन्स्ट्रेट अ स्किल लाइक हाउ यू आर देन फिट और हार्ड वर्किंग. सो इफ यू आर सेइंग दैट आई लव टू यू नो वर्कआउट डेली, आई मेक अ पॉइंट दैट आई वर्कआउट डेली, दिस हैज एडेड अ डिसिप्लिन टू माई शेड्यूल दैट आई स्टिक टू माई शेड्यूल वेरी नाइसली. ऐसे आपने उसको पुट फॉरवर्ड किया. तो आपको पसंद है वर्कआउट करना, ठीक है, आपको पसंद है जॉगिंग करना, या आपको पसंद है वॉक करना, एंड आपको कैसे आपने उसको फिट कर दिया इसमें कि दिस मेक्स यू यू नो डिसिप्लिन, कि आपने अपने शेड्यूल में उसको आई ऑलवेज ट्राई टू फिट इन. सो आई कीप माई शेड्यूल वेरी, आई फॉलो माई शेड्यूल वेरी नाइसली, सो इट हैज मेड मी डिसिप्लिन. या फिर अगर आप इफ यू आर अ सिंगर, तो उसमें आपको उस चीज को डेली मुझे रिहर्स करना पड़ता है मे बी फॉर हाफ एन आवर, तो वो चीज, एंड फॉर दैट आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. अगर आप सो अब आप बोलोगे यार मेरे पास कोई भी हॉबी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, डोंट टॉक अबाउट इट, जस्ट लीव इट, कोई दिक्कत नहीं है, लीव इट. अगर आपका कोई हॉबी नहीं है, डू नॉट बिल्ड अ हॉबी, टू डेज में कोई हॉबी नहीं होता, तो आप अभी सोचोगे कि चलो अभी से आई स्टार्ट, नहीं मत बोलना वो, इट इज वेरी मच अंडरस्टैंडेबल विथ योर फेस, राइट, कि आप कोई बिल्डअप कर रहे हो अपना हॉबी. सो इफ इट इज देयर देन ओनली यू स्पीक अप, इफ इट इज नॉट देन डोंट, राइट. Then you can also add what are your future plans. Very important, क्योंकि हमेशा we have talked about who we are, what we have done, what we are doing, what we want to become, what's maybe our near future plan. So why are you here? So दोनों को align कर दो कि आप क्यों अभी बैठ के हमारे यहाँ पे interview दे रहे हो, and कैसे वो चीज़ आपके future से align होता है. So very important to talk about your future plan and how it is aligning to PwC. And lastly, obviously, you end by saying thank you and you close it. So, ये कुछ कुछ चीजें हैं. इस point में पूरे चीज में अब मैं आपको क्या suggest करूंगी, that when you talk about, tell me about yourself, when you say this पूरा चीज, कहीं ना कहीं use certain words which are used in PwC vision. आप उनका vision read करोगे, so it's very captivating. Suppose I believe a lot in honesty. अगर किसी ने कोई काम, मेरे एम्प्लॉय ने काम नहीं किया, आई विल वॉन्ट माई एम्प्लॉय टू बी वेरी अपफ्रंट टू मी एंड टेल मी वाई द वर्क इज नॉट कम्प्लीटेड, इंस्टेड ऑफ यू नो मैनिपुलेटिंग थिंग्स. सो यू हैव टू, ऑब्वियसली आपको ये सब भूलना नहीं है, बट यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, टॉक अबाउट दीज वर्ड्स लाइक जो उनके उधर यूज हैं वो सब कहीं ना कहीं. अब ऐसा नहीं कि आप बैठ के पूरा वैसा ही बना दोगे, वो पूरा उनको समझ आ जाएगा फिर कि आपने पूरा यू नो रट्टा मारा है, आपने पूरा उनका देखा है ना आप बोल रहे हो. नहीं, say what you believe in, right? Don't be dishonest with yourself. Ek interview ke liye, this is what I will say, this is the thing which, because dishonesty dikhta hai in all the interviews, be very very honest with dishonesty, aapka dik jata hai interviewer ko, kahin na kahin dik jayega. That person is sitting there for 25 years, you have just come up, you're not even 25 in age, to usko dik jayega. To isliye make sure ki aap honestly koi cheez mein believe karo to bolo, aap include kar do ek do cheeze, तो वो अच्छा उसमें दिखता है. दिस इज देयर, मेक श्योर. अब आपको ऐसा भी नहीं कि आपने पूरा वर्ड टू वर्ड लिख लिया, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, रट्टा मार लिया पूरा अच्छे से, आप बोल रहे हो तो पूरा पता चल रहा है. अभी आपको मैं जब बोल रही हूँ, डिस्कस कर रही हूँ, तो आपको लग रहा है ऐसा कि मैम ने रट्टा मारा है फिर बोला है. नहीं, आई हैव रिटन फ्यू ऐसे छोटा छोटा एक एक पॉइंट्स, मैंने वर्ड लिखे हुए जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, राइट. अब मैं कभी रट्टा मार के कुछ बोलती हूँ तो आपको समझ में आता है वो चीज़. सो डू नॉट डू दैट. ऐसा पोयम के जैसा मत बना दो कि पोयम आपने रट लिया और आप आके उसके बारे में यहाँ पे बोल रहे हो. नहीं, बट बी प्रिपेयर, राइट डाउन द पॉइंट्स, मन में दो तीन बारी बोल लो, जोर से बोल लो मिरर के सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन यू स्पीक अप. नाउ एंड देन कम्स योर क्वेश्चंस लाइक व्हाट आर योर स्किल्स एंड वीकनेसेस. ये बहुत, सॉरी, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट आर योर स्किल्स एंड वीकनेसेस. सेकेंडली, हाउ कैन यू कन्वर्ट योर वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ. ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी यू कैन से अ क्वेश्चन जहाँ पे सब लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या बोलें. सॉरी, तो आप यहाँ पे यू कैन से कि यू कैन मेक डाउन
ऐसा नहीं कि बैठ गए बस वीकनेस बता रहे हो, 5-6 वीकनेस बताए जा रहे हो, नहीं, अपोज इतना ज्यादा आपको अपना वीकनेस नहीं बताना। एट द सेम टाइम ऐसा भी नहीं, आई हैव नेवर थॉट अबाउट दैट, नेवर स्टार्ट विथ आई हैवन थॉट अबाउट दैट, नेवर स्टार्ट विथ मेरे तो कोई वीकनेस नहीं, आई डोंट हैव एनी वीकनेसेस, ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। या फिर डोंट से आई हैवन थॉट अबाउट दैट, मत बोल, नहीं अच्छा दिखता, ठीक है। यू कैन, वो मुंह पे आ जाएगा कि हाँ यू हैवन थॉट अबाउट दैट, वो आपके एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा, जस्ट डोंट से इट, ये एक चीज है। उसके बाद अब आप क्या कैसे अपना वीकनेसेस बता सकते हो, एक मैं बोलूंगी कि आप डोंट टॉक अबाउट योर पर्सनैलिटी, मतलब कि ऐसे नहीं बोल दोगे, सपोज मैं पर्सनली आप लोगों को, बिकॉज यू ऑल आर माई स्टूडेंट्स, अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि मेरा एक वीकनेस है, आई ट्राई टू डू एवरीथिंग विथ परफेक्शन, तो उसकी वजह से आई एंड अप मे बी गेटिंग लेट, और आई एंड अप यू नो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में घुस जाती हूँ। ऐसा आपको कुछ इतना डिटेल्स में नहीं बताना है, यू हैव टू टॉक अबाउट एन एस्पेक्ट जो फिक्सेबल है, ठीक है, एंड आप एक कुछ प्लान मन में बना रहे हो ऑन हाउ टू फिक्स दैट प्रॉब्लम, राइट। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि आई एम एन इंट्रोवर्ट, आई कैन नॉट शेयर माई आइडियाज ओपनली ऑल द टाइम व्हेन देर आर 2-3 पीपल सिटिंग इन द रूम, दिस इज समथिंग विच इज फिक्सेबल। अब ये चीज सपोज जानवी ने मुझे बोला, फॉर एग्जाम्पल उसने मुझे बोला कि आई एम एन इंट्रोवर्ट, आई कैन नॉट शेयर ऑल माई आइडियाज विथ मे बी 2-3 पीपल सिटिंग देयर ओपनली, तो मेरे मन में बीइंग एन इंटरव्यूअर क्या चलेगा, अच्छा तो अगर ये ओपन हो जाएगी हमसे, तो यू विल एट द सेम टाइम विल ऐड दैट इफ आई एम वेरी यू नो इफ आई गेट इफ आई विद टाइम आई ओपन अप विद पीपल एंड आई एंड अप शेयरिंग माई आइडियाज देयर, तो मैं मन में क्या सोचूंगी, हाँ ये बाद में व्हेन शी इज ओपन विद ऑल ऑफ अस शी विल शेयर हर आइडियाज और वी विल मेक हर वेरी कंफर्टेबल इन आर सिचुएशन इन आर यू नो इंटायर सेटअप, कि वो ओपनली शेयर कर पाए, ये चीज चलेगा मेरे दिमाग में। अब मैं अगर कुछ बोल रही हूँ कि मैं बहुत ज्यादा एरोगेंट हो जाती हूँ कभी कभी, मैं बहुत ज्यादा मुझे गुस्सा आ जाता है कभी कभी, तो मेरे मन में फिर क्या चलेगा, अरे ये तो हर बात में गुस्सा करेगा, अरे ये तो एडजस्ट ही नहीं करेगा, नहीं, एनीथिंग विच इज एडजस्टेबल विच इज फिक्सेबल विच द सामने वाला इंटरव्यूअर विल लिसन टू इट एंड उसके मन में एक नेगेटिव इंप्रेशन नहीं पड़ना चाहिए आपके लिए, जस्ट आई वॉन्ट टू से दिस, राइट। तो ऐसा कुछ लिखना, एंड हाउ आर यू फिक्सिंग, यहाँ पे आप कुछ एक सेल्फ हेल्प, अगर आप कुछ रीड करते हो बुक्स, अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो आपको ये बुक्स आते हैं काफी सारे, यू नो हाउ टू ओवरकम द फ्योर ऑफ दिस, तो आप कोई बुक का नाम ले सकते हो कि हाँ आई एम रीडिंग अ बुक ऑन दिस, या आई एम वॉचिंग लॉट्स ऑफ यूट्यूब वीडियोज, या आई एम इंटरेक्टिंग अ लॉट विद माई फ्रेंड्स रिसेंटली, वॉट एवर इट इज। सो यू ऑल्सो वेन यू मैंशन अ वीकनेस, यू ऑल्सो मैंशन कि आप कैसे उस पर वर्कअप ऑन कर रहे हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया वीकनेसेस, जब पूछा जाए प्लीज एक या दो वीकनेसेस ज्यादा मत बोलना, डोंट सिट डाउन एंड लिस्ट डाउन ऑल योर वीकनेसेस इन फ्रंट ऑफ देम, नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। एंड देन आपका आता है स्ट्रेंथ्स, तो स्ट्रेंथ्स इज समथिंग विच यू नो, अब ऐसा नहीं कि आपने बहुत ही बड़ा चढ़ा के कुछ बोल दिया, अरे मुझे कोई भी काम दे दो आई डू इट, आई एम ऑलवेज ऑन टाइम, या ऐसा आई टेंड टू बी पंक्चुअल, ऐसा होना चाहिए, आई एम ऑलवेज पंक्चुअल, नहीं आई टेंड टू बी पंक्चुअल, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, आई टेंड टू डू थिंग्स वेरी नाइसली विद परफेक्शन, तो दिस थिंग शुड बी आई एम, ऐसा नहीं, इट शुड बी आई टेंड टू, ऐसा कुछ करके आपको बोलना। सो बी प्रिपेयर्ड ऑल्सो, जब एक जब आप लोग टेल मी अबाउट योर सेल्फ बोलोगे, तो उसमें एक ऐसा एस्पेक्ट आपका, आपको पता होगा वो चीज जो आपको लगता है कि मे बी बहुत जनों में नहीं होता, सब में नहीं होता, इट शुड बी योर टॉप सेलिंग पॉइंट, जिसको हम लोग बोलते हैं टॉप सेलिंग पॉइंट, वो आपका है, वो किसी हो सकता है कि बहुत किसी के पास हो बट सबके पास नहीं होता, इट शुड बी टॉप सेलिंग पॉइंट जो आपको बहुत अच्छे से उधर फोकस करके करके बताना है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड बी कॉन्फिडेंट, यू शुड स्माइल, यू शुड ब्रीद, यू शुड टॉक नाइसली, यू शुड बी वेरी एंथुजियास्टिक व्हेन यू टॉकिंग अबाउट योर लाइफ, आप ऐसे डल फेस बना के अपने बारे में नहीं बोलोगे, व्हेन आई एम आस्किंग यू टेल मी अबाउट योर सेल्फ एंड यू आर जस्ट सिटिंग देयर एंड यू आर बस ऐसे डल फेस बना के अगर कोई बोलता है तो मेरे को उसकी लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है फिर, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी एनर्जेटिक व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ, यू हैव टू हैव अ स्माइलिंग फेस, ऐसा भी नहीं कि इतने एनर्जेटिक है कि हंस हंस के एकदम, नहीं, सिंपल प्लेन एनर्जेटिक, बहुत अच्छे से बोल रहे हो, एट द सेम टाइम शोइंग योर इंटरेस्ट इन द कंपनी, कंपनी विल शो इंटरेस्ट इन यू, एंड एंड ऑन टॉप ऑफ इट थोड़ा लेवल ऑफ सीरियसनेस शुड बी देयर, राइट। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट, यू हैव टू सिट डाउन, यू हैव टू जॉट डाउन पॉइंट्स, अब आपको क्या करना है कमिंग 2-3 डेज में, रीड अबाउट पीडब्ल्यूसी,
विजन मिशन, उनका कल्चर्स, पीपल, बहुत अच्छे से व्हाट दे डू, व्हाट पीडब्ल्यूसी वर्क्स इन, उनके पास कैसे क्लाइंट्स आते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में काफी अच्छे से रिसर्च करो, पूरा वेबसाइट रीड करो, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा भी आएगा पढ़ने में। आई वॉज ऑल्सो रीडिंग इट रिसेंटली, तो बहुत मजा आएगा पढ़ के। उनके साइट्स को पढ़ो अच्छे से, क्या लिखा है उन्होंने, एंड व्हाट दे फील, व्हाट इज देयर मिशन, तो ये सब रीड करो। देन लॉट्स ऑफ यूट्यूब वीडियोज यू ऑल कैन वॉच, टेल मी अबाउट योर सेल्फ के बारे में। ज्यादा मत देखना, दो तीन वीडियोज देखो, एंड देन उसके बाद जॉट डाउन योर ओन पॉइंट्स एंड ट्राई टू स्पीक इट अप। डू नॉट क्रॉस द लिमिट बाय मे बी 1 or 2 minutes, जस्ट 1 or 2 minutes का ही शॉर्ट रखना, उससे ज्यादा जनरली होता नहीं है। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, जस्ट 1 or 2 minutes। मेक श्योर कि बहुत ज्यादा भी नहीं बोल रहे हो। आई हैव क्लियर, नाउ जानवी इज लाइक, आई एम डूइंग एक्चुअल साइंस, आई हैव क्लियर 3 papers ऑफ एक्चुअल साइंस, CM1 एक्चुअल मैथमेटिक्स, CS1 एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स। नो, ये सब में टाइम नहीं वेस्ट करना है आपको। आई हैव क्लियर 3 papers ऑफ एक्चुअल साइंस इज इनफ, डोंट टॉक अबाउट व्हाट पेपर्स यू हैव क्लियर, आई डोंट वांट टू नो, इट्स देयर इन योर रेज्यूमे, राइट? दैट वे डोंट फंबल, स्पेशली इन द क्वेश्चंस लाइक टेल मी अबाउट योर सेल्फ, योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, डोंट फंबल। ये सारे क्वेश्चंस आपके बारे में होते हैं, अगर आप अपने बारे में ही फंबल करके बोलोगे तो इट्स देयर इज अ प्रॉब्लम। सो डोंट फंबल इन क्वेश्चन, स्पेशली व्हेन इट्स टॉकिंग अबाउट यू, राइट? सो डोंट फंबल। नाउ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन मधु आस्क्ड, कि इंग्लिश में बोलना है क्या? यस, फुल एवरीथिंग 100% इंग्लिश, नो हिंदी वर्ड, अच्छा ओके, हाँ कुछ भी ऐसे, अच्छा हाँ निकल ही जाते हैं हमारे मुंह से, ट्राई टू अवॉइड इट। चलो जब आप फेस टू फेस इंटरव्यू देते हो निकल जाता है, बट एकदम जीरो रखो उसको, ट्राई टू अवॉइड इट। कैसे इम्प्रूव करोगे? हाउ डिड आई इम्प्रूव ऑन माई इंग्लिश? रीड करने से आई डोंट थिंक कुछ होता है, पीपल से रीड करो, मुझे पर्सनली नहीं लगा कभी भी कि रीडिंग से मेरा टॉकिंग इंग्लिश इम्प्रूव है। आप लिखने में बहुत अच्छे हो इंग्लिश में, यू यूज वेरी नाइस इंग्लिश वर्ड्स, बट यू माइट नॉट टॉक प्रॉपरली, राइट? गिविंग एन एग्जाम्पल, बहुत ही मैं इन पर्सन लाइक पर्सनल होके आप लोग से एग्जाम्पल दे रही हूँ, टॉकिंग अबाउट प्रवीण सर, आप लोगों को पता है कि उनका इंग्लिश उतना अच्छा नहीं हो सकता है, बट वेन ही टॉक्स इन इंग्लिश, ही टॉक्स वेरी नाइसली, एंड वो बहुत कॉन्फिडेंस से बात करते। लाइक आई हैव सीन उनको 4 or 5 years से, तो एकदम स्टार्टिंग में वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं होते थे, बट अभी इफ ही टॉक्स इन इंग्लिश, ही विल टॉक इन वेरी वेरी लाइक कॉन्फिडेंस के साथ। ही माइट नॉट यूज वेरी नाइस, वेरी बिग बिग वर्ड्स, बट ही विल टॉक वेरी नाइस। मेरे साथ उल्टा होता था व्हेन आई स्टार्टेड, सो अभी भी होता है मेरे साथ कभी कभी, आई बिकम वेरी लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है व्हेन आई टॉक इन इंग्लिश, कभी कभार, कम लोगों के सामने। अभी तो ऑब्वियसली मैं काम ही बोलना है तो इट्स नाउ बेटर, बट देर इज अ डिफरेंस। तो वो कैसे इम्प्रूव होगा? व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग इन इंग्लिश, तो आज से अपने माइंड में व्हेन यू कुछ भी सोच रहे हो, थिंक इन इंग्लिश। हम मन में क्या सोचते हैं, अरे यार क्या हो गया ये, वही इंग्लिश में सोचो ना, उफ व्हाट हैपेंड, ऐसे करके, ठीक है? तो कुछ इंग्लिश में अपने, क्योंकि फैमिली में अगर आप सडनली जाके अपने भाई से इंग्लिश में, बहन से इंग्लिश में बात करोगे तो वो बोलेगा अरे इंग्लिश में छाड़ो, यहाँ से निकलो। तो ऑब्वियसली अगर आपके फैमिली में यू टॉक इन इंग्लिश विद योर सिबलिंग्स एंड विद योर पेरेंट्स, वेरी वेरी गुड, तब तो आपका इंग्लिश होगा ही अच्छा, तब तो आपको टेंशन ही नहीं लेना। आपके फैमिली में आप हिंदी में बात कर रहे हो, बट आप सडनली जाके उनसे इंग्लिश में बात करोगे तो वो आपको भगा देंगे, तो वैसे नहीं करना है। खुद से इंग्लिश में बात करो, ठीक है? फ्रेंड्स को भी इंग्लिश में कॉल करके बोलोगे वो भी आपको भगा देंगे, तो खुद से इंग्लिश में बात करो, एंड दैट इज द ओनली वे यू कैन इम्प्रूव। और इंग्लिश के वीडियोज देखो, यूट्यूब खोल के ये सब वीडियो जब देखोगे ना, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, तो ये सब इंग्लिश में बोलेंगे वो, ट्राई टू वॉच एन इंग्लिश वीडियो, तो वो इंग्लिश में बोलेंगे, तो जब आप इंग्लिश सुनोगे तो आपके मुंह से भी इंग्लिश निकलेगा। रीड, आई डोंट थिंक रीडिंग से कुछ होता है, आई पर्सनली डोंट बिलीव कि रीडिंग से आपका इंग्लिश स्पीकिंग इंप्रूव होता है। सो इन दैट केस, मन में जब सोच रहे हो तो मन में इंग्लिश में सोचो, वीडियोज देखो इंग्लिश में, वीडियोज देखो, दिस इज हाउ यू कैन इम्प्रूव इन 2 days, दैट्स इट। दिस इज द ओनली शॉर्टेस्ट वे ऑफ इम्प्रूविंग योर इंग्लिश इन 2 days, क्योंकि आपके पास जस्ट 2 days है। ऑल्सो मेक नोट्स ऑफ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस का प्लीज नोट्स बना लेना, बहुत अच्छे से पीडब्ल्यूसी के बारे में रिसर्च करो, उनका मिशन विजन कल्चर पीपल ये सब सब बहुत अच्छे से रीड करो, अंडरस्टैंड व्हाट दे डू एक्चुअली, जितना आपको समझ में आ रहा है। मुझे प्लीज ऐसे मत बोलना कि मैम ये टेक्निकल वर्ड लिखा हुआ था कि वो क्या करते हैं, नहीं, अगर आपको वो अभी इस पॉइंट पे नहीं समझ में आ रहा, आपको समझाने का भी जरूरत नहीं है उनको, ठीक है? यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड बेसिक आइडिया कि व्हाट दे डू। सपोज बेसिक आइडिया ऑफ, इफ आई आस्क यू व्हाट एक्चुएटर्स डू, आपको मालूम है ये पढ़ाते हैं, किसको पढ़ाते हैं, जिनका 12th क्लियर हो जाता है उनको, सीए
एक्चुअली ये सब डेटा एनालिटिक्स ये सब पढ़ाते हैं, तो ये आपको पीडब्ल्यूसी के बारे में इन अ इजी मैनर बताने की वो क्या करते हैं, राइट। सो दीज आर द क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द डे। मैं खाली इतना बोलूंगी, बी वेरी 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 कॉन्फिडेंट। आई हैव ऑल्सो गिवन पीडब्ल्यूसी का इंटरव्यू, आई वॉज देयर टिल डायरेक्टर राउंड, एकदम लास्ट वाले राउंड में। डे वन से दे विल स्टार्ट ऑब्जर्विंग यू, हाउ यू बिहेव, हाउ यू कंडक्ट योर सेल्फ। सो बी वेरी ट्रू टू योर सेल्फ, दिखावा मत करो ऐसे से बनने का। बी वेरी ट्रू योर सेल्फ, ट्रू टू योर सेल्फ, बी वेरी पोलाइट, बी वेरी सॉफ्ट स्पोकन। एट द सेम टाइम ट्राई टू पुट योर आइडियाज वेरी नाइसली। अब ये सारी चीजों को आप कैसे करोगे, दिखाओगे, ये अपने आप दिखना चाहिए, राइट। तो आपकी जो सिचुएशंस होंगे वो वैसे ही बिल्डअप होंगे, आपको वैसे ही उनमें दिखाना है, ऑलराइट। तो ट्राई एंड वर्क अलॉट अपॉन इट, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया लास्ट मोमेंट के लिए। प्लीज मैंने जो जो बोला है वो करना है आपको अच्छे से। पॉइंट्स जॉट डाउन करने, वाई पीडब्ल्यूसी के भी कुछ कुछ पॉइंट्स, व्हाट पीडब्ल्यूसी डज उसके कुछ कुछ पॉइंट्स, तो ये सारे विजन मिशन उनका जो है उसके कुछ कुछ पॉइंट्स। ऐसा नहीं कि पूरा रट लिया, रटो मत, जस्ट राइट डाउन द पॉइंट्स, थिंक अबाउट इट इन योर माइंड। मिरर के सामने खड़े होकर दो तीन बार प्रैक्टिस करना वेरी इंपॉर्टेंट। मिरर के सामने अगर आप खड़े होकर प्रैक्टिस कर रहे हो, खुद को देख देख के बोल रहे हो, तो आपको समझ में आ रहा है कि आपका बोलने का तरीका कैसा है, आपका बोलने का पॉस्चर कैसा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो टेल मी अबाउट योर सेल्फ वीकनेसेस स्ट्रेंथ्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेफिनेटली आएगा, प्रिपेयर फॉर इट। ऐसा नहीं रटने वाला चीज प्लीज मत करना, वो समझ में आ जाते कि आपने रटा है। जस्ट जॉट डाउन द पॉइंट्स, मन में दो तीन बार बोला, सामने में खड़े होकर तीन चार बार बोला, एंड देन जस्ट गो एंड स्पीक। 30 सेकेंड्स जो प्लानिंग का होता है, मेक श्योर पेन पेपर लेके बैठ रहे हो अच्छे से, पॉइंट एकदम जॉट डाउन करके यू हैव टू टॉक। ऐसा मत करना कि 10 पॉइंट बोलने के चक्कर में बस बोल दिया। टॉक अबाउट ओनली 5 पॉइंट्स बट टॉक नाइसली, ठीक है। और कभी बीच में बोलते बोलते रुक जाओ, अटक जाओ, भूल जाओ, जस्ट ब्रीद इन एंड से। बहुत बार मेरे साथ भी होता है इन क्लासेस, यू विल सी कि मैं एक बार रुक जाती हूँ, ठीक है। हाउ यू शुड ड्रेस, नीचे का तो दे विल नॉट सी, बट एक बार पैंट पहन के बैठो तो वो थोड़ा रहता है कि हाँ कुछ इंटरव्यू में बैठ रहे हैं। ऐसे शॉर्ट्स पहन के और शर्ट पहन के मत बैठना, मन है तो बैठो कोई दिक्कत नहीं है, बट आई विल सजेस्ट एक बार पैंट पहन लेते हो ना, तो वो थोड़ा पूरा जब ड्रेसअप हो जाते हो तो एक लगता है कि हाँ कुछ इंपॉर्टेंट करने जा रहे हो, दिस इज वॉट आई फील। तो आप भी वैसे करना, शर्ट नो कैजुअल, अभी जो आप लोगों ने पहना है नॉट दैट, मैंने जो स्कार्फ लिया है नॉट दिस, स्कार्फ इज नॉट अलाउड। बाल ऐसे 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 कुछ नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली एकदम फेस के ऐसे पीछे में, ठीक है। ठीक है, अगर आप सामने रखते भी हो कोई दिक्कत नहीं, फेस पे नहीं आनी चाहिए, बाल उड़नी चाहिए, उड़ने नहीं चाहिए। आप बार बार ऐसे 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 नहीं कर रहे हो, पूरा एकदम बाल प्रॉपर पीछे होना चाहिए। फैन ऑफ कर देना अगर बाल बहुत ज्यादा उड़ रहा है तो, वो चीज मत करना कि बाल आपके फेस पे आ रहे हैं ना, पैसे करो। फिजिट मत करना अपने बाल से, किसी किसी भी चीज से फिजिट मत करना। दैट्स इट, कोट पहनने का जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, जस्ट योर फॉर्मल शर्ट विल डू, ठीक है। फॉर्मल शर्ट विद बटन्स वाला शर्ट विल डू, दैट्स इट, कॉलर वाला, नथिंग एल्स, उसका जरूरत नहीं है। वो आपको वहां पे चाहिएगा व्हेन यू विल गो फॉर योर करियर फोकस डे, आगे होगा। एंड होपफुली इस बार ऑफलाइन हो, आई वॉन्ट आप लोग का ऑफलाइन हो, बहुत मजा आएगा वहां जाके, तो तब आप लोग प्रॉपरली मैं बता दूंगी कैसे ड्रेसअप करना है। बट यस, ड्रेसिंग अप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट शोज हाउ इम्पॉर्टेंट द इंटरव्यू इज फॉर यू। ऐसे बस उठ के नहीं जाना है हम लोग, राइट। सो दिस इज देयर, और भी कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लो, वी हैव अ ग्रुप, ग्रुप में पूछ लेना या मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेक श्योर मैंने जो जो पॉइंट्स बोला है डेफिनेटली आएंगे, डेफिनेटली आप लोग को प्रिपेयर करना है। एंड अगर आई एम, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो देयर इन माई थर्ड ईयर, आई वॉज नॉट वेरी गुड इन टॉकिंग इन इंग्लिश, नॉट वेरी गुड इन यू नो सिटिंग डाउन एंड प्रॉपरली टॉकिंग विदाउट फम्बलिंग। मैंने भी काफी प्रैक्टिस किया था तब जाके ऐसा हुआ है। बीच में अभी भी लोग अटकते हैं, मैं भी अटकती हूँ क्लास में बहुत बार। मैं क्या करती हूँ, आई जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, एकदम सांस लो, छोड़ो, कुछ सोचो मत, अपने आप धीरे धीरे जाओ। तो जो बोल रहे हो सोच के बोलो, ऐसा नहीं कि बस बोल रहे हो, सोचो फिर बोलो, सोचो फिर बोलो, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बीइंग कॉन्शियस एट द मोमेंट, ठीक है। तो कॉन्शियसली काम करो, कॉन्शियसली प्रेजेंट रहो, बी प्रेजेंट कॉन्शियसली। ये मैंने देखा है कि मैं से भी पहले नहीं होता था, जब मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे, मैं दिमाग पर कहीं और है, कहाँ है यार, मैं सिलेक्ट होंगी कि नहीं यार, वो सिलेक्ट हो जाएगी, मैं नहीं सिलेक्ट होंगी, चलता है बैक ऑफ द माइंड, नहीं, कॉन्शियसली बी प्रेजेंट।
दिस इज वन लाइन विच माई फ्रेंड टोल्ड मी 1 or 2 years बैक, 3 years बैक, तब जाके आई हैव बीन ट्राइंग टू डू दैट, बीइंग कॉन्शियस. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्शियसली प्रेजेंट रहो जहां पे भी आप हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो आज हम लोग फिर ऐसे डिस्कस करते हैं. कुछ भी और प्रॉब्लम है जस्ट यू नो मैसेज मी. मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था कि जैसे YPWC में हम लोग को आंसर देना है कि उनका ये सब मिशन विजन है, 5 विजन, तो हम लोग क्या उनको इस तरह से बोल सकते हैं कि वी हैव गॉन थ्रू द वेबसाइट एंड वी हैव सीन दैट ये उनका है मोटिव. पहली बात तो वी मत बोलना, आई बोलना, भूल से भी वी मत बोल दो ना, हमेशा आई. ठीक है, भूल से हो जाते हैं हम लोग, वी बोल देते हैं, वी मत बोलना, आई बोलना. दूसरी बात, डोंट, आई विल नॉट सजेस्ट कि आप ऐसे डायरेक्टली बोलो कि आई हैव गॉन थ्रू योर, हाँ दैट दे नो यू हैव गॉन थ्रू द वेबसाइट, बट एज आई नो दैट पीडब्ल्यूसी बिलीव्स इन दिस दिस दिस. अब आप बैठ के वहां पे पूरा 5 विजन्स मत लिस्ट करना, ये हो जाएगा कि आप रट के आए, जस्ट 2-3 की वर्ड्स में भी दैट आई नो दैट पीडब्ल्यूसी और जस्ट पीडब्ल्यूसी बिलीव्स इन इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी, सो ऐसे करके आई हैव गॉन थ्रू बोलने का जरूरत नहीं है. एट द सेम टाइम पूरा रट मत लेना, 5 पॉइंट बोलना एंड वी मत बोलना, आई बोलना. ठीक है, एंड इसके बाद और कितना राउंड होने वाला है? सो अभी वीडियो राउंड होगा, उसके बाद जो क्लियर करेंगे सीधा करियर फोकस डे होगा. जनरली करियर फोकस डे 2 days का होता है इफ इट्स ऑफलाइन. ऑनलाइन आई थिंक दे कम्प्लीट द प्रोसेस इन 1 day, आई एम नॉट श्योर, प्रीटी श्योर अबाउट इट. तो उसमें दे विल टेक 2-3 rounds ऑफ ग्रुप इंटरव्यूज हम लोग करेंगे. पहले आप लोग ये क्लियर कर लो सब आराम से, एंड देन उसके बाद पर्सनल इंटरव्यूज, 2 पर्सनल इंटरव्यूज होते हैं. सो काफी है, राउंड्स हैं, बट डोंट वरी, वी प्रिपेयर फॉर इट वेरी नाइसली. ठीक है, तो अभी इतना अच्छे से गो थ्रू करो, वेबसाइट पूरा रीड करो, जो मैंने बोला है वो सब करो. यूट्यूब में काफी सारे वीडियोस काफी लोग डालते, देखो. टेल मी अबाउट योरसेल्फ का प्लीज, 10-15 वीडियोस मत देख लेना, नॉट रिक्वायर्ड, जस्ट 1-2 वीडियो देखो, उससे आइडिया लग जाएगा, यू कैन मेक योर ओन पॉइंट्स देन, जस्ट दैट. एनी आइडिया हाउ मेनी पीपल नो सलोनी? दिस इज अ वेरी, अभी लास्ट टाइम उन्होंने आई थिंक टोटल में 10 जनों को लिया था, आई गेस, आई एम नॉट श्योर, दैट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी का नीड्स. तो दे आर नॉट श्योर अबाउट हाउ मेनी पीपल दे विल हायर. उनका वीडियो, क्योंकि हो सकता है कि उन लोग हायर ही ना करें, ऑब्वियसली ऐसा होगा नहीं. अगर उनको चाहिए, ऐसा नहीं कि 10 लोगों को हायर करने, तो मैं कैसे भी 10 लोगों को हायर कर लूँ, नहीं. You all have to meet that criteria. आपको वीडियो राउंड जो ऑटोमेटेड राउंड है वो आपको क्लियर करना ही पड़ेगा. और अगर ऐसा भी नहीं है कि सपोज मैंने खाली 5 लोगों को रखा है कि मैं 5 लोगों का वीडियो राउंड क्लियर करूंगी, पर 6th person इज वेरी नाइस, स्टिल आई एम नॉट क्लियरिंग, ऐसा नहीं होगा. इन वीडियो राउंड एटलीस्ट नहीं होगा. दैट कम्स एट अ वेरी लेटर स्टेज, जब आप लोग जाते हो डायरेक्टर राउंड में, तब ऐसा वो करते हैं. उनका जो भी नीड्स होता है उस हिसाब से दे टेक, दे मेक अ लिस्ट ऑफ पीपल rank wise and then they do very very at the end. तो अभी ये सोच के भी कोई फायदा नहीं है. अभी if you are very nice, they will definitely take you in video round, clear you in video round. क्या तो अभी मत सोचो, एकदम don't think any negative points अभी. Step by step जाओ, just focus on career focused, just focus on your video round. जो भी मैंने points बोले उसको, you will always be, you should always think about the process कि आप कैसे ये प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हो. आप कैसे अभी जो आप सीख रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, कैसे आप इसको एक्सेल करके कैसे आप अपना वीडियो राउंड प्रॉपरली निकालोगे, ये होना चाहिए आपका मतलब एकदम इमीडिएट प्लान. बात का मत सोचो कोई भी, इट्स अ वेरी, क्योंकि सबके दिमाग में चलते रहते हैं, मत सोचो, नो पॉइंट, एकदम बिंदास रहो और जस्ट अभी अभी का सोचो. ठीक है, सो एनी मोर क्वेश्चंस, कुछ पूछना है? नहीं, तो आज हम लोग फिर इतना, एंड आप लोगों को कुछ भी हो, आई एम अवेलेबल, मुझे बस मैसेज कर देना प्लीज एक बार. अगर मैं कॉल नहीं भी उठाऊँ, बिकॉज कमिंग 2-3 days थोड़ा मैं बिजी हूँ, अगर मैं नहीं भी उठाऊँ कॉल, जस्ट प्लीज मैसेज मी, आई विल डेफिनेटली मेक अ वॉइस नोट एंड आई विल शेयर. ऑलराइट, एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू ऑल टू क्लियर द वीडियो राउंड. एकदम प्रेशर मत रखना दिमाग में, बी वेरी, जस्ट गो विद द फ्लो, जस्ट गो विद द फ्लो. ठीक है, बाय. Thank you. Thank you, ma'am. No problem. Thank you, ma'am. Bye.
थैंक यू मैम।